2015 की पास्ट मूवी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर लीना यादव, IMDb रेटिंग 7.5। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब पक्के से करें। चलिए सुना जाए। ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाली चार औरतों की, लज्जो, रानी, जानकी और बिजली। रानी अपने बेटे गुलाब का रिश्ता लेकर दूर एक गाँव में जानकी नाम की लड़की के लिए सफर कर रही है। साथ है लज्जो, उसकी पक्की सहेली। जानकी की उम्र कुछ 15 साल है और उससे भी छोटे चार बहनें और हैं। उसके पिता ने रानी को दहेज की रकम बढ़ाकर 4 लाख करने को कहा। गांव देहात में पैसे लेकर बेटी देने का रिवाज होता है। रानी को अपने गुलाब के लिए जानकी इतनी पसंद आ गई कि वो मान गई। तभी गुलाब का फोन आया। वो अपने दोस्तों के साथ मौज कर रहा है, मोबाइल पर अश्लील पिक्चरें देख रहा है, क्योंकि अब वो मर्द बनने वाला है, उसकी लुगाई आने वाली है। उसके लफंगे दोस्त भी उसे बढ़ावा दे रहे हैं। उसने माँ से कहा, छोरी पसंद नहीं आई तो कबाड़ी वाले को बेच दूंगा। रानी ने उसे चुप कराकर फोन काट दिया। दूसरी बार जब दोबारा फोन की घंटी बजी, रानी को लगा कि गुलाब का फोन है, मगर दूसरी तरफ से कोई आदमी था जो खुद को शाहरुख खान बताकर उसे छेड़ने लगा। झुंझलाहट में रानी ने फोन रख दिया। फिर मिलना मिलाना, खाना पीना हुआ और अगले महीने शादी की तारीख लेकर रानी और लज्जो लौट आए। अब गुलाब और उसके दोस्तों को गांव के बस स्टॉप पे साड़ी पहने एक मणिपुरी लड़की उतरती दिखी। वो नायोबी है, उसकी इसी गांव के किशन से शादी हुई है। उसने उसी बस में चढ़ती एक औरत से पूछा, चंपा कैसी है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, कहकर वो बस में चढ़ गई। गुलाब और उसके दोस्त वहीं खड़े हैं, उनके लिए वो कोई विदेशी है और उसका मजाक उड़ाने लगे, मगर किशन के आते ही सब खामोश हो गए। अब यहाँ वापसी में वही आदमी कई दफा रानी को फोन कर परेशान कर रहा है। गांव पहुंचकर रानी लज्जो से बोली, देख तो क्या मैं बूढ़ी लगती हूँ, बाल सफेद होने लगे हैं और नजर भी धुंधली। लज्जो ने मजाक में कहा, तू अभी भी जवान है रे छोरी, कोई भी मर्द तुझ पर फिसल जावे, और वो शर्मा गई। अब यहाँ गांव में पंचायत बैठी है और मुद्दा है चंपा अपने ससुराल से भाग आई है और वापस नहीं जाना चाहती। सरपंच बोला कि अब पति का घर ही उसका असली घर है, उसे तो जाना होगा, गांव का मान रख ले और वापस चली जाए। बीच में वही किशन बोला, जैसे पिछली बरस गंगा को समझा कर भेजा था और उसके ससुराल वालों ने उसे मार दिया था, वक्त बदल चुका है, हमें इस गांव को भी बदलना होगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। सरपंच गुस्से में बोला, किशन तूने वैसे ही गांव की नाक कटा रखी है, एक विदेशी को ब्याह कर लाया है, तू ज्यादा मत बोल। पीछे बैठी नायोबी अपने पति का पक्ष लेते हुए बोली, क्या गलत किया इन्होंने मुझसे शादी करके, मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ, भारतीय हूँ और पास के गांव में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। जिस पे सरपंच बोला, ये पढ़ाई लिखाई का ढकोसला हमें मत सिखाओ, चंपा को तो जाना होगा। अब की बार चंपा उठ खड़ी हुई और बोली, मैं मर कर भी ना जाऊं। चंपा की माँ ने उसे चुप कराते हुए बोली, ज्यादा मत बोल बाउली, नहीं तो इस गांव से हमारा दाना पानी भी बंद हो जाएगा, और खींचते हुए उसे वहां से ले गई। अब दूसरा मुद्दा गांव की महिला सरपंच ने उठाया कि इस गांव में टीवी नहीं है, किशन की वजह से हमें हस्तकारी का एक बड़ा ऑर्डर आया है, उसी से मिले पैसे को इकट्ठा कर हम औरतें टीवी लेना चाहती है, ताकि इन मर्दों के पैर घर में टिके, क्योंकि औरतें तो चार दीवारी में बंद रहती है और मर्द दारू के ठेके या नचनिया कंपनी के पास पड़े रहते हैं। सरपंच बोला, तुम औरतों ने कहा मोबाइल फोन चाहिए, ताकि काम पे गए अपने मर्दों की खोज खबर रख सको, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं, पास वाले गांव की लड़कियां जींस पहनने लगी है, जब पैसे इकट्ठे हो जाए ना तब टीवी खरीदने की बात करना। अब यहाँ चंपा को जब खींच कर ससुराल से आई गाड़ी में बिठाने लगे, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो माँ से बोली, तू सुनेगी तेरी लाडो के साथ वहाँ क्या क्या होता है, मेरा पति दूसरी औरत के पास पड़ा रहता है, मेरा ससुर मेरा देवर मेरे साथ रात गुजारता है, एक बार बच्चा भी गिरा चुकी हूँ जो मेरे पति का नहीं था, मत भेज मुझे उस नरक में। वो लोग चंपा को जबरदस्ती ले गए। दूर तक चंपा की नजरें माँ से सवाल करती रही और वो भूत बने खड़ी रही। अब इस गांव में बड़े दिनों बाद एक डांस कंपनी आई है जिसकी नचनिया है बिजली। जब से होश संभाला है उसने यही काम सीखा है, उसके हजारों आशिक है जो उसके साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। मगर आज की रात तो बिजली किसी की नहीं, क्योंकि उसकी पुरानी सहेली रानी और लज्जो उससे मिलने आ रहे हैं। उसने कंपनी के सेठ से भी ग्राहक के लिए मना कर दिया। बिजली के यूं बार बार धंधा मना करने की वजह से वो भी परेशान रहता है, पता नहीं किस दिन नई नचनिया ले आए। बड़े दिन बाद तीन यार साथ बैठे, ढेर सारी बातें की और रानी की आंखों से ना बताने का इशारा करने पे भी लज्जो ने बता ही दिया कि गुलाब का ब्याह अगले महीने की 9 तारीख को है।
चाहकर भी रानी उसे शादी में घर नहीं बुला सकती। खैर, फिर रात भर बिजली बताती रही कि वो किस आदमी से मिली जिससे उसे प्यार हो गया। उसकी बातें रानी की तन मन में अलग ही रंग फेरने लगी। घर आते वक्त फिर उसे शाहरुख खान का फोन आया। रानी इस गांव में 14 साल की उम्र में शंकर से ब्याह कराई थी, मगर वो शराबी था, मारता पीटता था, बाहर एक और औरत भी रखी हुई थी। तब रानी की सास कहती आगे सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ ठीक नहीं हुआ। साल भर बाद गुलाब पैदा हो गया और उसके 2 बरस के होते न होते शंकर एक्सीडेंट में मारा गया। रह गई बूढ़ी माँ और गुलाब। तब से लेकर आज तक रानी को इस घर की औरत और मर्द दोनों ही बनना पड़ा। खुद पर तो कभी ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला और अब 35 की हो गई है, सास बनने वाली है। जब ये सब करने की उम्र निकल चुकी है तो यूं किसी का बार बार फोन में उसे छेड़ना, मस्करी करना, जैसे उसे फिर से अंदर से हरा भरा कर रहा है। उसने लज्जू से कहा, ये क्यों बार बार फोन करता है, मन तो करता है सब सच सच बता दूं, अब मेरी उम्र नहीं रही ये सब करने की। लज्जू बोले, क्यों, खराब तो अपना नसीब है। अब यहाँ रात में लज्जू हस्तकारी के ऑर्डर का काम पूरा करने में लगी है ताकि घर बैठे कुछ पैसे की कमाई हो सके। उसकी शादी को भी बहुत साल हो चुके हैं, मगर वो बांझ है, बच्चा नहीं जन सकती। इस वजह से उसका पति उसे रोज रात को पीटता है, गाली देता है। उसके जबरदस्ती के घाव उसके जिस्म में हफ्तों तक और उस घाव से बने निशान महीनों तक रह जाते। अब 9 तारीख को पूरा गांव बैंड बाजे के साथ गुलाब की दुल्हनिया लेने पहुंचे। सामर्थ्य के हिसाब से ब्याह संपन्न हुआ, मगर विदाई के वक्त जानकी की मां रानी को एक खाली कमरे में ले गई और जानकी के सर से घूंघट हटाया तो उसके बाल लड़कों की तरह छोटे काट दिए गए हैं। समधन, क्या बताऊं, जुए इतने हो गए थे कि बाल काटने पड़े। मैंने इसके बापू से कहा था कि शादी पीछे करवा दो, पर वो बोले हम पैसा ले चुके हैं, जबान से पीछे नहीं हट सकते। रानी बोली, इससे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, पूरा गांव हंसेगा हम पर। मगर अब वो कर भी क्या सकती है, ब्याह तो हो चुका है। उसे उसी हाल में घूंघट की आड़ में बहू को लाना पड़ा। बस में जानकी ने देखा उसकी प्यारी गुड़िया ऊपर सामान के बीच रखी है और गिरने को है। काफी देर से देखती रही और जब गिरने को आई तो लपक कर पकड़ने की कोशिश में उसके सर से ओढ़नी फिसल गई। ये देख बस भर के सारे लोग हंसने लगे। गुलाब को तो बड़ा बुरा लग गया, अब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, वो दोस्तों को क्या मुंह दिखाएगा। लज्जू ने उठकर झट से उसकी ओढ़नी ठीक की। रात को घर पे दावत रखी गई। किशन और नायोबी ने जानकी को कुछ किताबें उपहार में दी। किताबें जीवन की सच्ची सहेली होती है जो सही और सच का रास्ता बताती है, पर पीछे बैठे लोगों को ये पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि ज्यादा पढ़ने लिखने से दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी क्या। तभी सब अचानक बिजली को वहां आता देख चुप हो गए। वो बिजली जिसे देखने लोग रात भर पैसे लुटाते हैं, उसका अपने घर पे नजर आना किसी को रास नहीं आया। बड़ी दोगली दुनिया है ये। बिजली भी खुद को रोक नहीं पाई। पक्की सहेली रानी की बेटी की जो शादी थी उसे गोद में खिलाया है उसने, और कहने को रिश्ते ही कहाँ है उसके पास, पर उल्टे पांव लौट गई। उसी रात रानी की सास मर गई। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया, बालकट्टी बहू देखकर मरी है, बुढ़िया की आत्मा को शांति भी नसीब ना होगी। उनकी चिता के सामने खड़ा गुलाब सब सुन रहा है। गुलाब ट्रक चलाता है। 2 रात बाद नशे में धुत वो घर लौटा और आज उनकी पहली रात है। एक कमरे का मकान रानी से जब सुना नहीं गया वो भाग कर बिजली के पास चली आई और उस दिन के लिए माफी मांगने लगी। दोस्ती में अच्छी बात तो यही होती है कि रूठने वालों को पहले ही पता होता है कि मान तो उसे जाना ही होगा। रात भर खूब सारी बातें की उन्होंने। सुबह गुलाब कहीं के लिए निकल रहा है, रानी के पूछने पे वो बोला, तो चिंता मत कर, पति का धर्म रात को ही निभा चुका हूँ। और अब वो कई कई दिनों तक घर से गायब रहने लगा। एक रात जब लज्जू अपने पति की मार और लात सह न सकी, वो भागी भागी रानी के पास आई। उसे मलहम लगाते वक्त, उसके नंगे बदन को छूते वक्त रानी की उंगलियां कांपने लगी। इस कदर की लज्जू कुछ देर के लिए अपना जिस्माना दर्द भूल बैठी और उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि रानी के घाव नंगी आंखों से दिखता तो नहीं, उसकी तड़प उस बुखार की तरह है कि बिना जिस्म को हाथ लगाए पता भी नहीं चलता कि बदन किसी के छुअन को सालों से तड़प रहा है, मचल रहा है। वो उस ताबूत की तरह है जिसमें वो जिंदा दफन है। रानी ने उसे गले से लगा लिया। अब किशन और नायबी को मिला ऑर्डर गांव की औरतों ने मिलकर लगभग पूरा कर दिया। जब भेजने का दिन आया सारा सामान गंदा पड़ा मिला। रानी को पता चला कि पिछली रात गुलाब और उसके दोस्तों ने पूरे सामान पर नशे में पेशाब कर दिया। अब गुलाब के आवारा गर्दी के लिए रानी जानकी को दोषी ठहराने लगी। अपने मर्द को खूंटे से बांध कर रखना सीख ले,
वरना किसी और के पास चला जाएगा। बेचारी जानकी, गुड्डे गुड़िया खेलने की उम्र में ब्याह कर दिया गया उसका। उसे कहां घर संसार की समझ है। उसी रात फिर से रानी को शाहरुख खान का फोन आया। आपे से बाहर जा चुकी रानी ने उसे एक सांस में सब कह डाला। मैं 35 साल की माँ और अब एक सास हूँ। 15 साल पहले मेरा मर्द मर गया और तब से किसी ने हाथ नहीं लगाया मुझे। बाल सफेद हो रहे हैं, झुड़ियां पड़ने लगी है। बता क्या करेगा अब तू। कुछ देर बाद फोन कट गया। अब तो लगता है मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अगले दिन कुछ लोग रानी के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने गुलाब को पकड़ कर रखा है क्योंकि वो पैसा नहीं चुका पा रहा। जैसे तैसे अपनी शादी की निशानी, मंगलसूत्र बेचकर और किशन के काम का एडवांस लेकर वो शहर पहुंची। वहां गुलाब किसी धंधे वाले के पास गिरवी पड़ा है। रानी ने उसे रकम देकर छुड़ाया और वहीं एक तमाचा रसीद दिया। पर उसे अभी भी कोई शर्म नहीं। यहाँ जानकी दरवाजे पे बैठे रो रही है कि साइकिल पर एक लड़का उसे ढूंढता हुआ आया। एक पल के लिए वो खुश हो गई, उसे वो जानती है। मगर अपनी परिस्थिति याद आते ही कि अब उसका ब्याह हो चुका है, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया उसने। थोड़ी देर बाद खटखटाने की आवाज सुनी। जब दरवाजा खोला, लज्जो रानी को ढूंढते हुए आई है। उसे आज फिर पति से मार पड़ी है। जानकी ने उसे पानी का ग्लास थमाया और उसके जख्म पे घी मलने लगी, क्योंकि फर्क सिर्फ उम्र का है दोनों में। जख्म तो एक से ही है, गुलाब भी तो मारता है उसे। रानी भी थक हार कर चौखट पर आकर बैठ गई। तीनों की पीड़ा का बिंदु मर्द ही तो है। अब इस बेकार सी दुनिया के तामझाम छोड़ बिजली एक दिन अपनी फटफटिया ले आई। जानकी संग तीनों उस पर सवार हो गए और दूर घूमने निकल गए। बातों बातों में बिजली ने लज्जो से कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि कमी तुझ में है, तेरे पति में भी तो हो सकती है, उसे टेस्ट करवाने को बोल। लज्जो और रानी के लिए ये नई बात है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि मर्द में कमी हो। लज्जो बोली, ए बिजली देखना, कोई टोटका झाकरी वैद कुछ भी चलेगा। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ एक बार, किसी और के लिए नहीं खुद के लिए। फिर बिजली ने रानी को बताया, एक रात गुलाब आया था मेरे पास पैसे लेकर, संभाल ले अपने बेटे को। इस बात पे दोनों की अनबन हो गई। बिजली बोली, कोई भी मर्द दूध का धुला तो है नहीं कि सारी गलती बिजली की हो। मैं धंधा करती हूँ क्योंकि वो करवाते हैं। सब सुन रही जानकी वहां से भाग गई और रानी गुस्से में बिजली को एक थप्पड़ मारकर चली गई। उनके जाने के बाद बिजली लाजो से बोली, उस रात मैंने भी गुलाब को एक चाटा रख दिया था कि दोबारा मेरी तंबू की तरफ रुख ना करे। पता है रानी से मेरी मुलाकात कैसी हुई थी। उसका पति शंकर मेरे पास आता था। एक रात नशे की हालत में मैं उसे घर छोड़ने गई तो 14-15 साल की रानी से मिली। मैं भी तो उसी की उम्र की थी। उस पगली ने मुझे खाना दिया और रात भर हमने बातें की। तब से हर साल मैं उससे मिलती रही। मेरा रिश्ता रानी से किसी भी गिला शिकवा शिकायत से परे है। वो मेरे सुख दुख की सहेली है। अब बिजली जब अपने तंबू लौटी, कोई उसकी जगह पहले से ही नाच रही है। पिछले 15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, वहाँ काम करने वाला और बिजली का एक आशिक ने बताया। सेठ नाराज है तेरे से, तूने पिछली रात मिनिस्टर बाबू को भी मना कर दिया था। सवेरे लज्जो ने रानी से आकर कहा, मैं बच्चा चाहती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कैसे, मैं और मार नहीं खाऊंगी। मैं भी अपने कोख में एक बच्चे की ममता चाहती हूँ। रानी ने समझाने की कोशिश की, ये समाज की नजर में गलत है, लेकिन अंत में दोनों को ही लगा, क्या खाक गलत है, इतना गलत जो उनके साथ हो रहा है। तब तो ये समाज आंख कान बंद कर लेती है। वो फिर बिजली के साथ उसकी फटफटिया पे निकल पड़े। मगर इस दफा रात के अंधेरे में बिजली का एक ग्राहक है जो इस गांव से नहीं है, और उस ग्राहक ने पता नहीं कैसे लज्जो के कपड़े तो उतारे, मगर हर रात उसके पति की तरह इज्जत नहीं उतारी। प्यार तो नहीं था, मगर ऐसा ही कुछ होता होगा प्यार करना। यहाँ रानी को कई दिनों बाद उसी शाहरुख खान का फोन आया। वो बोला, मैं 42 साल का कुंवारा हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, मूछे हैं, आंखें तेज है, पर सर्दियों में जोड़ों में दर्द रहता है। बोल, चलेगी मेरे साथ, पकड़ेगी मेरा हाथ। उस वक्त तो रानी कुछ नहीं बोल पाई, मगर उसके जहन में एक बार के लिए ना भी तो नहीं आया। अब ऐसे ही किसी दिन रानी ने उसके घर के सामने किसी लड़के को साइकिल पे किताबें पहुंचाते देखा, जो उसे देखकर भाग गया। इधर लज्जो को सुबह से उल्टियां चालू है। लगता है वो खुशखबरी आ ही गई जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। यहाँ हस्तकारी के काम में भी उनका काम खूब सहारा गया। अब हर महीने काम पक्का। गांव में टीवी भी औरतें ले ही आई। रानी ने अपना मिट्टी का झोपड़ा गिरवी रखकर गुलाब की शादी करवाई थी। वो सेठ भी हर 2 महीने में आकर उसे खरी खोटी सुना जाता।
ऐसे तो रानी को अपने घर से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि जो बचाती है वो गुलाब के उधारी चुकाने में लग जाते। एक दिन फिर से रानी ने उसी लड़के को जानकी से कहते सुना, मैं तुझे खुश देख लेता एक बार तो यूँ बार बार तेरे दरवाजे पर ना आता। शहर में मेरी नौकरी लग गई है, तू चल मेरे साथ, तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा जो चाहे दूंगा। पर जानकी बोली, अब कुछ नहीं हो सकता। रानी ने डांट कर लड़के को भगा दिया। यहाँ लज्जो का चौथा महीना चल रहा है। उसका पति काफी दिनों बाद काम से घर लौटा। लज्जो बड़ी खुश है, उसने ढेर सारा खाना बनाया कि आज वो उसे खुशखबरी देगी। उसने बताया कि हस्तकारी का काम अच्छा चल रहा है, अब हर महीने पगार और बोनस दोनों मिलेगा। आगे कुछ और कहती, लेकिन उसके पति के लिए ये बात ताना मारने जैसा था कि अब घर की औरत मर्द बनेगी, कमाएगी, खाना फेंक वो उसे मारने लगा। और हर बार की तरह आज रात ने भी वही मोड़ लिया। ऐसा लगता है कि औरत का सबसे बड़ा काम यही है कि अपने मर्द के फूल जैसे नाजुक अहम को, उसके झूठे अहंकार को सहलाते रहना। यहाँ बिजली के तंबू में नई लड़की के आने से उसका भाव कम तो हुआ ही है, मगर साथ ही वहाँ काम करने वाला राजू, जो उसे पसंद करता है, उसके लिए खाना लाता है, उसे ये कह रहा है कि वो दोनों कहीं और जाकर धंधा करते हैं, मैं बिजनेस संभालूंगा और तू नचनिया रानी बनकर ऐश करना, तो वो अच्छा लगता था। मगर इस मोड़ पर उसका भरोसा उससे भी उठ गया, क्योंकि वो भी उससे धंधा ही करवाना चाहता है, सबकी तरह नचवाना ही चाहता है, कोई प्यार या इज्जत उसके मन में नहीं। थक हार कर बिजली रानी के चौखट पहुंची। रात की खामोशी में, इस जहां की रुसवाई में, बस दोनों सहेली को उस पल एक दूसरे का सहारा है। रेगिस्तान की गर्माहट में अब ठंडी हवा दस्तक दे रही है। ये साल भी गुजरने वाला है, दशहरा दिवाली आने को है। रानी ने कर्ज चुकाने के लिए जब अपना बक्सा खोला, उसमें पैसे नहीं थे। कोई अपने बेटे पे कैसे शक करे, तो सबसे पहला शक दूसरी की ब्याह कर लाई बेटी जानकी पर गई। खूब खरी खोटी सुनाई और मारा भी। मगर शाम को जब गुलाब लौटा, पैसे उसके पास से निकले और वो उल्टा जानकी पर धौस जमा रहा है, उसे मार रहा है। रानी से जब ये सब सहा नहीं गया, गुलाब तो अपने बाप जैसा होता जा रहा है और जानकी की किस्मत उसके जैसे। उसने गर्दन पकड़कर गुलाब को घर से बाहर निकाल दिया। जाते हुए गुलाब ने माँ को गाली देकर कहा, अब समझा बापू ने दूसरी औरत क्यों रखी, साली तुम दोनों हो ही इसी लायक, मैं भी देखता हूँ बिना मर्द किए घर कैसे चलता है। और घर छोड़कर चला गया। रोती हुई सास को देखकर जानकी पास बैठी और रोते हुए बोली, वो लड़का मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मुझसे लगन करना चाहता था, मगर उसके माँ बाप के पास 3 लाख नहीं थे मेरे बापू को देने के लिए, तो मैंने शादी रुकवाने के लिए अपने बाल काट दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बापू लालची था मेरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से मैं यहाँ ब्याह कर आई हूँ, मैंने उसे कभी नहीं बुलाया, कभी बात तक नहीं की। वो खुद मीलों साइकिल चला कर आता है और मुझे देख कर चला जाता है। रानी ने उस बच्चे को गले से लगा लिया। किस्मत के थपेड़े उसे यहाँ ले आए। अगले दिन सेठ के पास जाकर उसने गिरवी पड़े घर को पूरा बेच दिया। उससे मूलधन और ब्याज काट कर जो थोड़े बहुत पैसे मिले, उसमें से उस लड़के के जेब में कुछ भरते हुए कहा, मेरी बेटी दे रही हूँ तुझे, ये जहाँ तक पढ़ना चाहे पढ़ाना लिखाना, बहुत खुश रखना। और जानकी को एक नया मोबाइल देते हुए बोली, इस पे फोन करती रहूंगी तेरा हालचाल पूछने। और दोनों को आशीर्वाद के साथ भेज दिया। आज जो रानी ने जानकी के लिए किया, काश कोई उसके लिए समय रहते करता। यहाँ जब अपनी जिंदगी सही नहीं चल रही, तो गांव की हवा खराब करने, औरतों को हस्तकारी का काम देने और विदेशी बहू लाने के लिए गुलाब और उसके दोस्तों ने किशन को खूब मारा, इतना कि वो अब अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है। नायो भी उसे लेकर हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चली गई। आज रात दशहरा है। लज्जो ने फिर से हिम्मत कर नशे में धुत अपने पति से कहा कि वो 4 महीने पेट से है। उसके पति को तो पहले से मालूम था कि कमी उसमें है, तो फिर ये बच्चा किसका है। मतलब कि सारी बात की जड़ जानते हुए भी वो लज्जो को बांझ कहकर उसे पीटता रहा। आज लज्जो ने बोला, तो पंचायत बुलाकर कह दे कि ये बच्चा तेरा नहीं है और असल में तू बांझ है। वो उसे लातों से मारने लगा। तब रानी आई किशन की खबर देने। लज्जो को मार खाता देख छुड़ाने लगी उसे। इसी हाथापाई में संतुलन बिगड़कर उसका पति का हाथ जलती चूल्हा से जा लगा। देखते ही देखते पूरे बदन में आग पकड़ लिया। रानी ने बचाना चाहा, पर लज्जो ने उसे रोक लिया। बाहर एक रावण जल रहा है, मगर उसका रावण तो ये आदमी है। दोनों भागी भागी बिजली के पास आए और सब बताया। आज अपने जीवन के रावण को आग लगाने के लिए उनके पास कोई राम नहीं था।
ये काम खुद सीता को करना पड़ा। बिजली ने अपनी फटफटियां निकाली और तीनों आजाद हो गए। मालूम नहीं कहाँ जाना है, लेकिन कोई भी जगह इससे तो अच्छी होगी, जहाँ थोड़ी सुकून की सांस तो होगी। समाज की लाज हवा में उड़ाकर उन्होंने बाल कंधे तक कर लिए और बोले, किशन ने जो काम सिखाया है अपना गुजारा तो कर ही लेंगे। तभी शाहरुख खान का फोन आया। बोल क्या करेगी रानी, और वो जोर से बोली, अपने दिल की सुनूंगी। बस मूवी यही खत्म हो जाती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर।